दोस्तों आपको अपने YouTube चैनल नीर 143 क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नीट काउंसलिंग 2021। दोस्तों ये अमर उजाला की सॉरी आज तक की न्यूज है दोस्तों। तो दोस्तों सरकारी कॉलेज पाने के लिए कितनी रैंक होगी यहाँ तक, तो दोस्तों ये नीट काउंसलिंग 2021 के लिए है। काउंसलिंग के माध्यम में सबसे पहले उम्मीदवार सरकारी कॉलेजों में सीट पाने की कोशिश करते हैं, इसके लिए रैंक अच्छी होनी बहुत जरूरी है। टॉप रैंक वाले कैंडिडेट्स को ही सरकारी कॉलेज में सीट पाते हैं, जिसके बाद प्राइवेट कॉलेजों की कट ऑफ शुरू हो जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें दोस्तों जो स्टोरी की हेडलाइंस है, कुछ राज्यों ने नीट मेरिट जारी कर दी है, उसमें दूसरी बात है काउंसलिंग शेड्यूल जल्द जारी किया है। दोस्तों ये हेडलाइंस होंगी स्टोरी की बताया है आज तक ने। फिर है दोस्तों नीट काउंसलिंग 2021। दोस्तों नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्टेंट नीट 2021 के रिजल्ट जारी हो चुके हैं आप। तो दोस्तों ये सारी आप कहां से, आधिकारिक वेबसाइट इसकी कौन सी, mcc.nic.in। तो दोस्तों आप यहां पर काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर उम्मीदवार मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन पा सकेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं क्या है। काउंसलिंग के माध्यम से सबसे पहले उम्मीदवार सरकारी कॉलेजों में सीट पाने की कोशिश करते हैं, इसके लिए रैंक अच्छी होना बहुत जरूरी है। टॉप रैंक वाले कैंडिडेट्स ही सरकारी कॉलेजों में सीट पा सकते हैं, जिसके बाद प्राइवेट कॉलेजों की कट ऑफ शुरू हो जाती है। अभी तक काउंसलिंग की नोटिस वेबसाइट पर जारी नहीं हो, मगर पिछले वर्षों के रिजल्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी रैंक पर सरकारी कॉलेज में सीट मिल सकती है। वर्ष 2020 में सरकारी कॉलेजों में कैटेगरी वाइज लास्ट रैंक इस प्रकार थी। तो दोस्तों देख लेते हैं, जैसे ये कॉलेज हैं दोस्तों आपके, और फिर ये रैंक है किसके लिए, कट ऑफ एससी एसटी ओबीसी के लिए कितनी क्या कट ऑफ होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली, और जनरल कैटेगरी लास्ट रैंक थी 90, और दोस्तों एससी कैटेगरी कट ऑफ लास्ट रैंक थी 1475, और एसटी कैटेगरी कट ऑफ लास्ट रैंक इसमें दी नहीं हुई है। फिर है वीएमएमसी और सफदरगंज अस्पताल नई दिल्ली, दोस्तों इसकी लास्ट रैंक थी 163, और इसकी एससी कैटेगरी कट ऑफ थी कितनी 2050, और इसकी ये अभी एसटी की जारी नहीं हुई। फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली, इसकी लास्ट रैंक थी 324, और इसकी एससी कैटेगरी कट ऑफ थी 3207, और इसकी एसटी की भी जारी नहीं है, इसमें दी नहीं हुई है। फिर है लेडी हॉर्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली, तो दोस्तों इसकी लास्ट रैंक थी 571, और एससी कैटेगरी की रैंक थी 13646, और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ लास्ट रैंक थी 19752। फिर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़, तो दोस्तों इसकी लास्ट रैंक थी 776, और एससी कैटेगरी लास्ट कट ऑफ थी कितनी 16444, एसटी की है नहीं इसमें। फिर है सेट जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई, इसकी लास्ट रैंक थी 457, एससी कैटेगरी लास्ट रैंक थी 2065, वही एसटी कैटेगरी थी 26559। फिर है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, तो दोस्तों इसकी लास्ट रैंक थी 1800, और एससी कैटेगरी कट ऑफ लास्ट रैंक थी कितनी 77065, फिर एसटी कैटेगरी की थी 38458। फिर है दोस्तों स्टेनली मेडिकल कॉलेज चेन्नई, तो दोस्तों इसकी लास्ट रैंक थी 52053, और लास्ट एससी की थी 42321, एसटी की थी 57779। फिर है दोस्तों पंडित भगवाल दयाल शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विद्या संस्थान रोहतक, इसकी लास्ट रैंक थी 6573, 52059, 6849, एसटी की है। ठीक है, फिर है दोस्तों ग्रांट मेडिकल कॉलेज और सर जे जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स मुंबई, तो दोस्तों इसकी लास्ट रैंक थी 2828, और एससी की थी 23997, और एसटी की थी 48835।
फिर है दोस्तों ऑनलाइन काउंसलिंग के संबंध में कोई भी अपडेट आधिकारिक वेबसाइट इसकी है दोस्तों mcc.nic.in पर जारी किया जाएगा। दोस्तों आप सभी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जान सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे और आपको ऐसे वीडियो पसंद है जो आप अगर इसी तैयारी कर रहे हैं रिलेटेड कोई जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो।